गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन द सेम चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो इन आवर प्रीवियस लेसन वी स्टडीड व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज द डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम। सो इन दिस लेसन वी विल स्टडी सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन दैट वी सी इन आवर डेली लाइफ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में जो कि बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं रिफ्रैक्शन के। सो फर्स्ट एग्जाम्पल दैट मैन वी टेक अ पेंसिल एंड इमर्स इन वॉटर। एक पेंसिल अगर हम लेते हैं या कोई स्टिक लेते हैं और उसको वॉटर में इमर्स करते हैं, इट लुक्स बैंड, हमें वो बैंड दिखाई देती है। तो इफ वी टेक द स्टिक और अ पेंसिल एंड इमर्स इन दिस वॉटर, इट लुक्स बैंड। जो भी है स्टिक हमने डाली है या पेंसिल अगर हमने वॉटर में डाल दी है और अगर हम इसको बाहर से व्यू करते हैं, वो हमें यहां से मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। सो एज यू हैव स्टडीड वेन द लाइट इज एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट चेंजेस इट्स पाथ, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, इट बैंड्स। एंड वी ऑल्सो स्टडीड दैट when the light travels from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal, and when it enters from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. So in this example we can see that when the this pencil is immersed in water, if there is no water, we can see the light coming from the pencil is directly entering in our eyes. But when this is immersed in water, it does not appear to come from this point. It seems to come from the another point or different point, because the light is, when this is the water, which is a denser medium. So when the light coming from this point travels from this denser medium to this rarer medium, जब यहां से आने वाली light, जब हमने इसको पानी में डाल दिया तो यहां से जो light आ रही है वो जब इस denser medium से यानी कि water से इस तरीके से जाते हुए जब ये air में enter करती है, means water denser medium से rarer medium में जाती है, it bends away from the normal. तो ये जो है ये सरफेस है, ये जो इन दोनों मीडियम की बाउंड्री है, इस पे ये जो परपेंडिकुलर है दैट इज द नॉर्मल। तो ये जो लाइट रे जा रही है वो यहां पे न जाके क्या कर जाती है, थोड़ी सी बैंड कर जाती है। और जैसे ये बैंड करती है वैसे ये कहां से आती हुई दिखाई देती है, देन वी एक्सटेंड इट सीम्स टू कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द पेंसिल, ये हमें किसी और ही डायरेक्शन से आती हुई दिखाई देती है। सो व्हेन वी एक्सटेंड इट सीम्स टू बी बैंड। अगर हमने यहां पे ये देखा है कि जो पेंसिल को हमने वॉटर में डिप कर दिया है, तो जो लाइट आ रही है इस पेंसिल से, जो लाइट हमारी आईज में एंटर कर रही है, उसको कहां ट्रेवल करना पड़ रहा है, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। सो व्हेन इट द लाइट enters from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal and then it enters in the our eye. So it seems to coming from the different direction. और इस वजह से वो किसी different direction से आती हुई दिखाई देती है and the pencil looks bent. इसलिए हमें ये जो pencil है वो bent होती हुई दिखाई देती है. For the same reason, when a lemon is kept in water, अगर हमने एक ग्लास टम्बलर लिया है और उसमें अगर हम एक लेमन को रख देते हैं, इट अपीयर्स बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज, जो उसकी एक्चुअल साइज है उससे हमें वो बड़ा दिखाई देता है। फ्रॉम फॉर द सेम रीजन दैट व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम द लेमन ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम, क्योंकि वो पानी में रखा हुआ है, पानी जो है वो डेंसर है देन एयर। सो व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम लेमन
travels from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal and then enters through the eye, so the lemon appears bigger. इसलिए वो बड़ा दिखाई देता है. For the same reason, when we put a glass slab on some written page, और कोई भी हमने किसी भी कुछ भी लिखा हुआ है in a book or in a notebook, कुछ भी जो words लिखे हुए हैं उस पर अगर हम रख देते हैं, it appears to be raised, वो ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं. For the same reason, because the glass slab is a denser medium and the air is the rarer medium. When the light coming from the walls travels from denser medium to rarer medium, they bends away from the normal and the light appears to coming from the different direction. That's why they appear to be raised. And we can see some more examples that the bottom of the bucket appears to be raised from its actual position. जो भी actual position हो, जो उसका actual bottom है, वो कैसा दिखाई देता है? हमें raised दिखाई देता है if it is filled with water. अब उसमें पानी भरा हुआ है तो उसका जो bottom है वो हमें थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है. The reason is same. The light is starting from denser medium to rarer medium. It bends away from the normal. That's why the light seems to appear coming from the different direction. And that is the cause of refraction. ये refraction का cause है, ये examples है refraction के, जिसकी वजह से हमें ये सब चीजें हैं वो दिखाई देती है. The reason is same that these are the different media. ये different media है जिसमें कि light की जो speed है वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से उसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या होती है. इन ऑल मीडिया डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट, इट्स डायरेक्शन इज ऑल्सो डिफरेंट, सो देर इज अ फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन हैपन्स. इसलिए जो फिनोमिना है रिफ्रैक्शन का वो वहां पे होता है. The next thing is कि ये जो भी हम देख रहे हैं इसमें हमने ये और भी पढ़ लिया है कि कुछ भी हो सकता है. जैसे कि हमने यहाँ पे क्या ले लिए, दो मीडियम ले लिए, एयर एंड वॉटर. वी कैन टेक अनदर मीडियम, अनदर पेयर ऑफ मीडिया. यहाँ एयर और वॉटर की जगह हम क्या ले सकते हैं, एयर और टर्पेंटाइन ऑयल भी ले सकते हैं, एयर और क्या ले सकते हैं, कैरोसिन ऑयल ले सकते हैं. Then the extent of bending will be not same. जो हमें ये जो जितनी मुड़ी हुई वॉटर में दिखाई दे रही है वो हमें उतनी ही मुड़ी हुई कैरोसिन में या टर्पेंटाइन ऑयल में दिखाई नहीं देगी. इससे क्या होगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी. बिकॉज इन दैट एग्जाम्पल द पेयर ऑफ मीडिया इज डिफरेंट, तो उनकी जो लाइट की जो स्पीड है इट विल बी ऑल्सो डिफरेंट, सो द डायरेक्शन विल बी ऑल्सो डिफरेंट. जैसे हमने पेयर ऑफ मीडिया चेंज किया वैसे ही जो एक्सटेंट है उसका बैंडिंग का वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. और इसी तरीके से अगर हमने वो लिया कि भी अगर जो लेटर्स हैं उसके ऊपर हमने ग्लास स्लैब रखी है और उसमें हमें वो जो लेटर्स है वो रेज अपियर हो रहे हैं, तो अगर यहाँ पे हमने ग्लास स्लैब की जगह कोई और हम ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लेते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के स्लैब ले लेते हैं और उसको फिर अगर हम किस पे रखते हैं, किसी भी टेक्स्ट पर रखते हैं, तो ये जो जो हमें लेटर्स रेज दिखाई दे रहे हैं उसका जो एक्सटेंट है इट विल बी नॉट सेम. जितने रेज वो हमें ग्लास स्लैब में दिखाई दे रहे हैं जरूरी नहीं है कि प्लास्टिक स्लैब में भी वो हमें उतने ही उठे हुए दिखाई देते हैं, दे कम भी दिखाई दे सकते हैं और ज्यादा भी दिखाई दे सकते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम. और रीजन आपको पता है कि हर मीडियम में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट. हर उसमें मीडियम में स्पीड जो है लाइट की वो डिफरेंट है. इसका मतलब है उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, डिफरेंट होती है. इसलिए इन सब एग्जांपल्स में जो अगर हमने मीडिया चेंज कर दिया है तो जो रिफ्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. बैंडिंग भी जो है वो चेंज हो जाएगी. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हम किसके पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन के पढ़ रहे हैं. तो ये सब जो भी हमारे
एग्जाम्पल्स हैं, और भी हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं इनसे रिलेटेड, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, पर हमें वहां पे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वेयर द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम और डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। हमें वही दो रूल्स लगाने हैं कि अब इफ द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और इफ इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लॉजिक लगा के हमें उन सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।